खबर राजस्थान के कोटा शहर से है, जहां सड़क हादसे में रेलवे कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। रेलवे कर्मचारी करौली में स्टाफ की शादी में गया था, जहां से लौटने के वक्त भदाना चौराहे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पोस्टमार्टम के लिए शव को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल एक्सीडेंट के कारण सामने नहीं आया है। रमेश चंद लोधा रेलवे में अपॉइंटमेंट था। मृतक के बेटे परीक्षित ने बताया कि पिता के स्टाफ में दोस्त की शादी थी, वे दोस्त की शादी में शामिल होने निकले थे, उसी रात यह हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कोटा से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। पापा का नाम रमेश चंद्र लोधा, घर से 17 को सुबह निकले थे करौली के लिए, शादी में जाना था उन्हें। फिर उधर से पता नहीं रात को आए वो, करीब हमें तो सूचना मिली 3:30 बजे करीब। बहन को फ़ोन आया पुलिस कर्मी की तरफ से, उसके बाद चाचा वगैरह सब पहुँचे वहाँ पर। कौन सी जगह ये? बूथ बाबा मंदिर का करीब आस पास। कहाँ पड़ता है ये? लोग वहाँ रंगपुर रोड पर, बजाना रंगपुर रोड। रात को कब मालूम चला आपको? हमें 3:30 बजे पुलिस वालों ने फ़ोन किया। सुबह के टाइम पर? सुबह। ठीक है, बाइक से गए थे क्या? नहीं, पैदल आ रहे थे। स्टेशन से? स्टेशन से पैदल आ रहे थे। और जाना कहाँ था इनको? आना था घर। कहाँ गए थे? करौली से घर आ रहे थे। तो अष्टमी की पूजा के लिए गए थे? नहीं, शादी थी, स्टाफ में किसी की शादी थी, वो अटेंड करने गए थे। क्या करते थे पापा? रेलवे में जॉब करते थे। आसपास कोई सीसीटीवी कुछ देखा आपने? नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं किया। आपको सूचना मिली थी पहुंचे के पास, बदाना गांव की घटना है। रोड के सहारे कोई अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होना प्रतीत हो रहा है। अभी परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे, वैसी कार्रवाई की।